हरे कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के श्लोक 26 में अब आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, इनमें से कुछ श्रवणवादी क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग इंद्र विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। लॉर्ड कृष्ण सेड टू अर्जुन, सम सेक्रीफाइस द हियरिंग प्रोसेस एंड सेंसेस इन द फायर ऑफ मेंटल कंट्रोल एंड अदर सेक्रीफाइस द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस इन द फायर ऑफ सेंसेस। मानव जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त हैं। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्र तृप्ति के लिए नहीं बना है, अतएव मानव जीवन के चारों आश्रम इस तरह व्यवस्थित है कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी शिष्यगण प्रमाणिक गुरु की देखरेख में इंद्र तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं, विकृष्ट भावनामृत संबंधी शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूलाधार है, अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में लगे रहते हैं। उसी तरह गृहस्थ भी, जिन्हें इंद्र तृप्ति की सीमित छूट है, अपने कार्यों को बड़े ही संयम से पूरा करते हैं। और अगले श्लोक में जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से आगे क्या कहा। तब तक मेरे साथ प्रेम से कहिए हरे कृष्ण राधे राधे।